नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सब लोगों का स्वागत करता हूं होराइजन हिंद न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली को हम बुराई पे अच्छाई की जीत और अंधेरे में रोशनी का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं, ऐसे क्या कारण हैं या फिर ऐसी क्या कहानियाँ हैं जिसकी वजह से हम दिवाली मनाते हैं? तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरी छः कहानियाँ या छः कारण जिसकी वजह से हम दिवाली मनाते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हमारी पहली कहानी है रामायण की, जिससे आप सभी लोग अच्छी तरह से अवगत होंगे। मंत्रा के विचारों से पीड़ित होकर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा। उस वचन में उन्होंने भगवान श्री राम को 14 साल के वनवास के लिए कहा। भगवान श्री राम ने पिता के आदेश को मानते हुए 14 साल के वनवास के लिए चले गए माता सीता के साथ और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। इन 14 सालों में भगवान श्री राम को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और रावण जैसे राक्षस को परास्त करके माता सीता को लंका से छुड़ा के लाते हैं। उस दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद भगवान श्री राम जब अपने राज्य अयोध्या में लौटते हैं तो सभी लोग उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं और रात को दीपक जलाते हैं। इसी दिन से हम हर साल दिवाली मनाते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी है महाभारत की। मामा शकुनी की चालों की मदद से कौरवों ने पांडवों को शतरंज के खेल में सब कुछ छीन लिया। साथ ही साथ उन्हें 13 साल के वनवास के लिए भी जाना पड़ा। लेकिन इसी कार्तिक अमावस्या के दिन पांचों पांडव अपने राज्य में फिर से लौटे और राज्य के सभी लोगों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया और दीप जलाकर खुशियाँ मनाई। इसीलिए भी हम इस दिन दिवाली मनाते हैं। दोस्तों, हमारी तीसरी कहानी है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य हमारे प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे और साथ ही साथ एक आदर्श राजा भी। उन्हें उनकी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता था। इसी कार्तिक अमावस्या के दिन हमारे राजा विक्रमादित्य का राज्य अभिषेक हुआ था, जिसकी वजह से भी हम दीपावली मनाते हैं। दोस्तों, हमारी चौथी कहानी है माता लक्ष्मी जी की। हम हर साल हिंदी कैलेंडर के कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि पर अवतार लिया था। माता लक्ष्मी जी को एक धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए हम हर साल दीपावली को दीप जलाने के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। दोस्तों, हमारी पांचवी कहानी है सिख गुरु की। सिख समुदाय भी दीपावली का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है उनके छठवें गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी को ग्वालियर जेल से आज़ादी मिली थी इसी दिन, इसी कार्तिक अमावस्या के दिन। आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर ने ग्वालियर की एक जेल में श्री हरगोविंद जी को कैद करके रखा था और इसी कार्तिक अमावस्या के दिन उनको आज़ाद किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है हमारे दीपावली मनाने का। दोस्तों, हमारी सबसे आखिरी कहानी है भगवान श्री कृष्ण जी की। भगवान श्री कृष्ण ने इसी कार्तिक अमावस्या के दिन नरकासुर का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा था और प्राग ज्योतिषपुर इस समय दक्षिणी नेपाल का एक प्रांत है। नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने 16 भगवान की कन्याओं को बंदी बना के रखा था और देवी माता अदिति की बालियों तक को उसने छीन लिया था। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी की मदद से उसका कार्तिक अमावस्या के दिन वध किया और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी दीपावली मनाने का। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल होराइजन हिंद न्यूज़ को। मैं विकास आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।